हम समझते हैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं कह सकता हूं कि जो जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी मर्यादा को रिस्टोर करना, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा आज क्वेश्चन मार्क है। आज सबसे बड़ा हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीबीआई की मर्यादा है, इलेक्शन कमीशन की मर्यादा है, सीबीसी की मर्यादा है, आज तक लोकपाल नहीं बना जिसके आधार पे ये बने थे। ये सारी मर्यादित जो जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको रिस्टोर करना और जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, जो प्रियम्बल में सर्वधर्म समन्वय का एक संकल्प है उसको इस देश में स्थापित करना, क्योंकि 4.5-5 साल में ये है, मतलब तनाव से ही पूरा देश गुजरा है, एक एक आदमी गुजरा है, चाहे आर्थिक तनाव हो, चाहे टैक्स का मार हो, चाहे वो नोटबंदी के मार हो, चाहे जीएसटी का मार हो, इतना टैक्स आज तक लगा था, इतनी महंगाई कभी हुई? ये सारी स्थिति है जिसको कि हम समझते हैं, जब ले मैं कह रहा हूं, इस पर तो व्यापक चार्टर्ड ऑफ द 19 निकलेगा कि 2019 का चार्टर क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमारी प्राथमिकता होगी।